नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उसकी आज हमारी अंतिम क्लास होगी। उनमें से जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है शायद, वो क्वेश्चन हम आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो उनके अंदर देखिए, उनके अंदर जो 2 क्वेश्चन है वो तो सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट बचे हुए। इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। और ये जो भाग है, यदि ये पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो जो पहला बहुपद है ये दूसरे का गुणनखंड होगा। तो देखिए, पहले बहुपद में हम बात करेंगे 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस 2x + 2। इसमें भाग करेंगे हम x² प्लस 3x + 1 का। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो हमारा पहला पद है, प्रथम पद की तुलना करेंगे। तो प्रथम पद की तुलना यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर तो है 3x⁴ और यहाँ पर है x⁴। तो ये जो बहुपद है x² प्लस 3x + 1, इसको गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर x² से गुणा करेंगे और साथ में यहाँ पर 3 है तो 3 से भी गुणा करेंगे। अब देखो, पूरे बहुपद को 3x² से गुणा करना, तो 3x² को गुणा किया x² से, तो ये होगा 3x⁴। 3x² को गुणा करेंगे 3x से, तो ये आएगा 9x³। और 3x² को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x². अब देखो, यहाँ पर रखते हैं 3x⁴ प्लस 9x³ और प्लस में क्या है 3x², पूरे बहुपद को गुणा किससे किया, 3x² से, तो ये भाग हो जाएगा, इतनी बार भाग चला गया 3x² का, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि बाद में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। अब ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई। इन दोनों में देखिए, प्लस का तो है 5x³, 5x³ प्लस का, और माइनस का है 9x³। तो यहाँ पर माइनस होगा और कितना बचेगा, 9 में से 5 घटाया तो 4x³, और साइन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है माइनस की। यहाँ पर देखो, दोनों ही संख्याएं माइनस की है, माइनस का 7x² माइनस का 3x², तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 10x² इसकी माइनस की। आगे जो भी हमारे पास पद बचे हैं उनको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब देखिए, दोबारा से हम यहाँ पर तुलना करेंगे, तो यहाँ पर तो क्या है x³ और यहाँ पर x² तो एक तो x की कमी है, साथ में यहाँ पर माइनस का 4 भी है, तो माइनस 4x से गुणा करेंगे पूरे बहुपद को, कितना आएगा, माइनस 4x को गुणा करेंगे x² से, तो माइनस का 4x³, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ये आएगा माइनस का 12x² और इसको करेंगे 1 से, तो माइनस का 4x। यहाँ पर रखते हैं 4x³ माइनस 12x² और माइनस का 4x, गुणा किससे किया है, माइनस 4x से, ठीक है, साइन चेंज करते हैं, प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, प्लस का 12x² माइनस का 10x², तो यहाँ पर प्लस का 2x² बचेगा, यहाँ पर प्लस का 4x और प्लस का 2x, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2। अब फिर से तुलना करते हैं पहले पद की, तो पहले पद की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर x², यहाँ पर भी x² दोनों सेम है, लेकिन इसके साथ में 2 है, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे पूरे बहुपद को, तो 2 से गुणा किया तो 2x², 2 को 3 से किया तो 6x, 2 को 1 से किया तो 2। यहाँ पर रखते हैं 2x² प्लस का 6x और प्लस का 2। अब गुणा किससे किया, प्लस 2 से गुणा किया, साइन चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल कितना बच गया, 0। तो अब क्या कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है,
शेष फल जीरो आएगा तो इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, गुणनखंड है, ये करना है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद करना। अब हम क्वेश्चन नंबर तीन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो तीन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² और माइनस का 10x और माइनस का 5, ये हमारा बहुपद है और इसके दो शून्यांक दिए गए। दो शून्यांक कितने कितने हैं, 5/√5/3 और x बराबर -√5/3, ये हमारे पास दो शून्यांक है और हमें क्या करना है, इनके जो अन्य दो शून्यांक है उनको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो x की पावर में अधिकतम पावर कितनी है, 4 है, तो x की अधिकतम पावर 4 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज जो होंगी, इसके जो शून्यांक होंगे वो भी कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, जिनमें से हमें 2 दे दिए और 2 हमें ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो भी शून्यांक दिए गए हैं उनको हमें x के इक्वल रखना, जो कि क्वेश्चन में x बराबर नहीं दिया गया, क्वेश्चन में केवल ये दिया गया कि √5/3 और यहाँ पर -5/3। अब ये दो शून्यांक दिए गए हैं, इन दोनों को हमें x के इक्वल रखना है और x के इक्वल रखते हैं, फिर देखो यहाँ से इक्वेशन प्राप्त करते हैं, इनको इस साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -√5/3 और इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो x और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा √5/3 और इक्वल में 0, इक्वेशन टू। यहाँ पर करेंगे हम समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, 1 व 2 को गुणा करने पर, यहां पर दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स माइनस √5/3 गुणा एक्स प्लस √5/3 और बराबर में 0, कर दिया गुणा। यहां पर देखो इसमें एक सर्वसमिका लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसके इक्वल क्या होगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर हम मान रखें a का स्क्वायर करते हैं, a का मान क्या, x स्क्वायर होगा, a का मान x है सॉरी, और स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और b का मान कितना है √5/3 और इसका स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या दिया गया, 0, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस, और स्क्वायर करें इसका तो रूट हट जाएगा, 5/3 आएगा बराबर 0, एलसीएम 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 5 = 0, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब तिरछा गुणा, 3x² माइनस का 5 और बराबर में 0, तो ये जो बहुपद हमारे पास आया है 3x² माइनस 5, इसका भाग करेंगे किसके अंदर, वो जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको भी हम आगे और सोल्व करेंगे, तब जाकर हमारे पास x के मान आएंगे। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं और भाग कर रहा हूं, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, बहुपद हमें दिया गया है 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस का 5, इसमें भाग करेंगे जो हमारे पास बहुपद आया 3x² माइनस 5, इसका हम भाग करेंगे, तो भाग करो देखो यहां पर भी 3 है यहां पर भी 3 है, तुलना करते हैं पहले पद की, यहां पर x की पावर 4 है यहां पर x की पावर 2 है, तो पूरे बहुपद को हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे भाई, x स्क्वायर से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो x की पावर 2 की कमी है यहाँ पर, तो x स्क्वायर को 3x² से गुणा करेंगे तो 3x4 और x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो ये आएगा -5x², तो 3x4 और ये जो -5x² है ये x स्क्वायर के पद के नीचे रखेंगे। मैंने पहले बता दिया कि x की पावर 2 का जो पद है वो x की पावर 2 के नीचे आएगा, x की पावर 3 का जो पद है वो x की पावर 3 के नीचे आएगा। अब देखो गुणा किससे किया है, x स्क्वायर से, अब साइन चेंज करते हैं, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, सबसे पहले क्या आएगा 6x³, 5x² प्लस का और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x² और आगे क्या है 10x और माइनस का 5। फिर से तुलना करते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो किससे गुणा करेंगे, एक तो गुणा करेंगे x से, बाकी यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे कि 6 आएगा,
तुलना करो दो से, तो यहां पर दो एक्स से गुणा करते हैं, तो दो एक्स से गुणा किया थ्री एक्स स्क्वायर को, तो ये आएगा छह एक्स की पावर तीन और ये आ जाएगा माइनस का दस एक्स। छह एक्स की पावर तीन और माइनस दस एक्स को यहां पर इसके नीचे रखेंगे, गुणा किससे क्या है प्लस दो एक्स से, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्या बच गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव। अब इन दोनों की तुलना करो, देखो ये थ्री एक्स स्क्वायर यहां पर भी थ्री एक्स स्क्वायर सेम है और सेम संख्या होती है तो किससे गुणा करते हैं भाई, सेम संख्या होती है तो प्लस वन से गुणा करते हैं, तो यहां पर आएगा प्लस वन माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल जीरो। तो अब हमारे पास जो आंसर आया x की पावर दो प्लस दो एक्स और प्लस एक और बराबर में जीरो, इसके क्या करेंगे इसके गुणनखंड करने हैं, यहां से x के मान आएंगे दो, तो देखो बार बार की जो संख्या है उनको गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और इसके जो यदि हम टुकड़े करते हैं तो वन प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो वन एक्स प्लस वन एक्स और प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो, दो दो के पेयर बनाओ कॉमन लो, एक्स यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा वन, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में जीरो। अब इन दोनों में क्या आएगा एक्स प्लस वन कॉमन होगा, यहाँ पर बचा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में जीरो, दोनों सेम है, दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से जो जीरो का एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा माइनस वन, इसको भी जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से भी एक्स का मान कितना आ जाएगा माइनस के वन, तो इसके जो टोटल जो शून्यांक हो गए भाई वो कितने हो जाएंगे, देखो दो तो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे पांच बटे रूट तीन और माइनस के पांच बटे रूट तीन, और दो हमने निकाल लिए वन माइनस का और माइनस का वन, ये टोटल इनके चार शून्यांक हो चुके। अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट, तो समय का अभाव तो जल्दी से हम इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो और कंप्लीट करते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन दिया गया कि एक बहुपद है उस बहुपद को जी एक्स से भाग देते हैं तो बालफल और शेषफल हमें निम्न पर प्राप्त होते हैं, तो जी एक्स का मान ज्ञात करो, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है फोर, तो बहुपद तो क्या दिया गया है हमें एक्स की पावर तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस दो, इसको जी एक्स से भाग करना भाई, इसको किससे भाग करना है जी एक्स से, पूरे बहुपद को जी एक्स से भाग करना है, तो भागफल क्या प्राप्त होगा हमारे पास है? भागफल प्राप्त होगा एक्स माइनस दो और शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा माइनस का दो एक्स प्लस चार। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है जी एक्स का मान, तो देखो एक हमारे पास एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एक सूत्र है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो भाज्य तो हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया x की पावर तीन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का दो इज इक्वल टू, भाज्य कितना, भाज्य कौन सा है जी एक्स है, भागफल कितना है x माइनस दो है, फिर प्लस शेषफल कितना है, शेषफल हमें दिया गया माइनस का दो एक्स प्लस चार। तो देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं पक्षांतरण करके इन दोनों संख्याओं को इस साइड में ले जाते हैं, तो क्या आएगा ये तो सेम हो जाएगा सेम, और ये माइनस जो 2x है ये प्लस का 2x हो जाएगा, और जो प्लस का 4 है ये माइनस का इज इक्वल टू जी एक्स, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा x माइनस दो। अब देखो सोल्व करें x की पावर तीन थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस का और वन एक्स प्लस का कितना हो जाएगा थ्री एक्स, माइनस का फोर और प्लस का टू, माइनस का टू बराबर जी एक्स और गुणा में क्या आएगा एक्स माइनस दो। अब ये जो गुणा की संख्या है भाग में आएगी, तो एक्स की पावर तीन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस टू और डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू और बराबर में जी एक्स। तो अब यहाँ पर हमें भाग करना पड़ेगा और भाग करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो हमारा जी एक्स का मान होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ और जो भाग आएगा इससे आगे वो इसका आंसर होगा, तो मैं भाग और करके आपको दिखा रहा हूं। तो देखो भाग करना है हमें x की पावर तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस का तीन एक्स और माइनस का दो, और भाग करना है x माइनस दो से। तो देखो पहली संख्या की तुलना करोगे, यहां पर क्या है x की पावर एक, यहां पर है x की पावर तीन,
तो किससे गुणा करेंगे, एक्स की पावर दो से गुणा करेंगे, एक्स की पावर दो को एक्स से गुणा करते हैं, एक्स की पावर तीन, एक्स स्क्वायर को दो से गुणा करते हैं तो दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर तीन माइनस दो एक्स स्क्वायर, गुणा किया एक्स स्क्वायर से, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, माइनस का वन एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और माइनस का टू। फिर से हम तुलना करते हैं पहले पद की, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अकेला एक एक्स है, तो एक तो एक्स से गुणा करेंगे और वो भी किससे, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का दो एक्स, तो इसके नीचे रख दो एक्स स्क्वायर प्लस का दो एक्स, गुणा किससे किया, माइनस एक्स से, साइन चेंज करो प्लस माइनस, ये कैंसिल, तीन में से दो घटाया तो एक एक्स और माइनस का दो। फिर से देखो ये दोनों संख्याएं सेम है और सेम संख्याएं होती हैं तो किससे गुणा करते हैं, एक एक से गुणा करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल जीरो, तो जी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये जो क्लास है कंप्लीट, आगे जो चैप्टर थ्री है वो कल शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।